यहाँ पर भी एक ही रन तो मिलने वाला है। तीन ओवर हो चुके हैं और इस समय 20 रन 20 बहुत प्रेशर होता है, दबाव होता है जब आप हो सकता है जिसे रिटायरमेंट के बाद सोच रहे हो बड़ा शॉट लगा दे, जिसके हितेन भाई मैं पहले ही बोल रहा था ना कि जिसके रिटायरमेंट की बात सोच रहे हो सकता है वो बड़ा शॉट लगा दे। दोलाने सिक्सर ट्वेंटी सेवन 27 चौहान सुपर किंग्स, ये शॉट भी अच्छा है। वहां पे थे डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर जयेश वहां पे थे, कैच करने की पूरी कोशिश किया था उन्होंने लेकिन ये गेंद पीछे गई लेग स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का। यहाँ पर भी सिंगल सिंगल के साथ अब 32-32 चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं। शॉट अच्छा है राहुल के बल्ले से, दोलानी सिक्सर आता हुआ। चार ओवर के समाप्ति, स्कोर 38। चार ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन, किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते। बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बता देती है। ये भावीश जो है ना, अगर अपने ऊपर प्रेशर ना लेना तो जो कदकाठी इनकी है एक दो बड़े शॉट लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि रन नहीं बन रहा है प्रेशर लें, कुछ नहीं। माइंड में बस एक ही चीज आनी चाहिए कि आप कैसे सीधे बल्ले से खेलें, बड़े शॉट लगाएं, कुछ रन बनाएं। थर्टी नाइन हुआ है अब 40। जबरदस्त देखिए बातें चल रही है। दोलाने सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 46 पे। दो गेंदें और आनी बाकी हैं अभी। 12 गेंद पे 26 रन बना करके राहुल सेठ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, सेठ ने एक बार फिर से यहां पर कोशिश किया था, आउट होकर के वापस जाएंगे। 46 हुआ स्कोर।
वन टू गो। कल्पेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हेमंत भाई की गेंद का सामना करने के लिए कल्पेश तैयार। उठाया, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाएंगे पूरा। तीसरे रन के लिए नहीं, तीसरा रन नहीं पूरा होगा। 48 हुआ स्कोर, 49 टू विन। वर्तमान स्ट्राइकर्स के सामने 49 रनों का लक्ष्य और दोनों बैट्समैन आ चुके हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले वहां पर है स्ट्राइकर एंड पे अल्पेश भाई हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे समीर। अल्पेश और समीर की जोड़ी इस बार उठा करके गेंद को खेला है और वहाँ पर प्रफुल्ल भाई इतने लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं कि गेंद वहाँ से आगे नहीं जाने वाली है। दो रन लेते हुए अल्पेश सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बल्ले पे नहीं आई और पहले से अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं कल्पेश, बल्लेबाज हैं अल्पेश। गेंद में थोड़ा भी नहीं है पेस। क्या बसंत भाई का थ्रो था, गेंद सीधे स्टंप से टकराई, रन दो मिल गया। अल्पेश और समीर की जोड़ी अच्छा, ये भी कल्पेश भाई ही है और वहां पे नजर आ रहा है अल्पेश स्कोरिंग में। बसंत भाई ने डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश किया है, आउट। बसंत भाई भी डाइव लगा रहे हैं लेकिन हमारे कल्पेश भाई किधर गए, वो कह रहे हैं सब हमारी तरह नहीं हो जाएंगे कि डाइव लगा करके कैच ले लेंगे। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ रन आउट के रूप में, समीर रन आउट हुए। गुड मॉर्निंग रतन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आउट। अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है बसंत भाई की तरफ से। पांच गेंद पे 8 रन खर्च किए, एक सफलता हासिल कर चुके हैं। शॉट जबरदस्त था, दोलानी चौका आता हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 2 वर्तमान स्ट्राइकर्स। राहुल सेठ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए पहली गेंद पे ना दुआ ना सलाम, आते ही काम तमाम। दुलाने सिक्सर। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है सच में, लेकिन 27 रन स्कोरबोर्ड पे लग भी चुके हैं। अब 28, तीसरा ओवर अभी भी जारी है। राहुल सेठ 5 गेंद पे 9 रन खर्च कर चुके हैं। जेनिश 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 3 पे 6 बना करके हेत भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार मिड ऑन के क्षेत्र में खेला फील्डर उसोर बसंत भाई के रूप में मौजूद और 1 रन लेने का मौका। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पर 2 जाना पड़ेगा जेनिस को। वीत ने यहाँ पर विकेट लिया, क्लीन बोल्ड हो गए।
स्कोर 29 पे रुका हुआ। एक और विकेट का पतन, सीधे बल्ले से खेला था मिड ऑफ के क्षेत्र में और वहां पर कैच लेते हुए राहुल सेठ। चार रन दोलानी चौका, चार के साथ स्कोर 34 पे जा पहुंचा है। हीट अभी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, यह भी शॉट अच्छा है, अंपायर के सारे की प्रतीक्षा। अंपायर कितने रन, बाउंड्री है, यस दोलानी चौका। नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ है, हो गया किकिन भाई। डॉक्टर जयेश बल्लेबाजी करने के लिए, लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा। ये शॉट अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए, 9 रन चाहिए। यहाँ पे 5 गेंदें बची हैं, अभी भी मैच में दम है। निहार अच्छी गेंदबाजी, 41 हुआ है और अभी भी 3 गेंद पे 8 रन चाहिए। कितने चाहिए, दो पे 7। एक पे 6। बिना 6 के कुछ काम नहीं होने वाला है।